सामने फाइनली दर्शन हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए ब्लॉग में। मैं आपका अमर सिंह। काफ़ी दिनों बाद आज हम लोग जा रहे हैं बनारस, सारे दोस्त जा रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहेगा, तो जुड़े रहिएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी चल रहे हैं बाबा की नगरी, तो बहुत ब्लॉग एक नंबर का रहेगा, तो चलिए चलते वहीं पर। काफ़ी धूप भी है आज। सब लोग आ चुके हैं, बस तिवारी बाबा अभी नहीं आए हैं, उनको भी ले लेते हैं। ओ पार्वती हर हर महादेव। अपनास आ चुके हैं, अपनास में एंट्री कर चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे तिवारी जी? ना यहाँ रुकने का मोटो रसगुल्ला अच्छा मिलता है भाई, गुलाब जामुन अच्छा मिलता है, बहुत फेमस है ना यहाँ गुलाब जामुन। चलिए चलते हैं। विधायक जी चलिए चला रहे हैं। ये कह रहा है उसके यहाँ, वो कह रहा है उसके यहाँ, फेमस कौन सा है? चलो भाई चलो ले यहाँ का। अरे काला जाम सामने आया है इनका, और क्या खाएंगे। चलिए कैसा रहा? आराम से ठीक था, पर मुझे समझ नहीं आया, नॉर्मल था यार, कुछ खास नहीं था। बाकी सब लोग आ रहे हैं अब यहाँ, सब लोग लेने के बनारस, क्योंकि सुबह किसी ने कुछ खाया नहीं था, तो अभी थोड़ा सा खा लिए। ठीक था, नॉर्मल था, कुछ खास नहीं था। क्यों भाई, नॉर्मल है ना, कुछ खास नहीं था। आगे से है ना भाई, गर्मी और बनारस की भीड़ ये सबसे खतरनाक है। अगर आप दोपहर में चल रहे हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा, अब क्या बताऊँ, उनके लिए कोई भाषा ही नहीं है। हालांकि हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ पे, और कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे फिर दर्शन के। यह हम लोग फाइनली बनारस आ चुके हैं, वो नहीं है जो आप जाम देख रहे हैं, हम लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं। फिलहाल में बाबा का दर्शन हमें प्राप्त होता है, और फाइनली हम लोग पूरे दोस्त एक साथ, अभिनेता भी पहला है क्योंकि मौका नहीं मिला है उसको भी, और मेरा भी ऋतु के साथ पहला था, मौका नहीं मिलने की बात है। जैसे क्या होता है कि बनारस थोड़ा हम लोग को समझ नहीं आ पाता है थोड़ा सा। यहाँ पे आप किसी के साथ आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अकेले बहुत बोरियत हो जाएंगे आप। हालांकि बहुत लोग मेरे दोस्त यहाँ पे थे, और ये मेरा छठवां या सातवां बार मैं बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, और आज आपको फिर दर्शन कराने जा रहा हूँ। अभी बैक टू बैक आपने मेरे दो आप ब्लॉग देखोगे तो उसमें भी बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन है, एक तो महाशिवरात्रि के दिन और एक 1 जनवरी के दिन नए साल के दिन। तो आज फिर चलते हैं, अच्छी बात है, फिर मिला है मौका तो चलते दर्शन करने, और मिलते हैं वहीं पे। देखिए टेम्पो, ये वाला टेम्पो वाले को देखिए, देखे आप लोग, अभी इधर से सीधा इधर आया, अभी इसको ठोकेंगे तो जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ये आप आ रहे हैं तो धर्मशाला से यहाँ से कट जाएंगे तो शॉर्टकट रहेगा, मैं राइट में मुड़ना है। देखिए मंदिर, यह ध्यान रखिएगा, ये मंदिर से हम लोग राइट मुड़ के अंदर चलाएंगे हम। ये आपका मैप जो है राइट बोला है, पर हमें लेफ्ट जाना है, तो भैया मैप के भरोसे आप मत रहिएगा। 4 किलोमीटर उधर दिखा रहा है, इसका हम पूछते हैं हमारे अधिकारी जी से। अबे बोल लीजिएगा तुम सिगरा चौराहे पे भाई, वहाँ बहुत जाम है, जाम बहुत भयंकर। तो भैया हम लोग मिलेंगे लेफ्ट, कालिका हवेली। तो भैया बहुत ज्यादा जाम है यहाँ पे, बहुत ज्यादा जाम है, पर धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। देखिए 2-4 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। कहाँ जाना, सीधे जाना है क्या? सीधे दिखा रहे हैं, कहाँ जाना त्योहारी? और सीधे चलना है, अभी वहाँ से मुड़ जाएंगे, यहाँ से वो ले रहा है तिरछा ले रहा है। नहीं नहीं सीधा चलते हैं। काल भैरव जी के पास पार्किंग का ये सबसे बेस्ट है। भैया दर्शन हमें करा था विश्वनाथ जी का, तो टहलते टहलते हम लोग काल भैरव जी के आ गए हैं, तो अभी पहला दर्शन हम लोग काल भैरव जी के करेंगे, और पार्किंग हो गई है फुल जो मैंने अभी आपको दिखाया है, तो हम लोग दूसरी जगह पार्किंग करने जा रहे हैं। यहाँ भी लग रहा है थोड़ी समस्या है पार्किंग की, वहाँ पे रोड खाली है पर पार्किंग फुल है, तो हम लोग देखे कहीं जुगाड़ से गाड़ी लगाते हैं। नहीं गाड़ी हम लोग अपनी खड़ी करेंगे, भैया पार्किंग तो मिला नहीं था, तो यहीं कोतवाली में गाड़ी खड़ी करेंगे। बनारस में पार्किंग का बहुत दिक्कत है, देखिए हमने कहाँ कार पार्क किया है इस समय,
पार्किंग की समस्या बहुत भयंकर है बाबा, बहुत ज्यादा पार्किंग फुल है, संडे है, सब लोग दर्शन कर, दोनों पार्किंग फुल है, दोनों के दोनों क्या है, पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि रोड पे गाड़ी खड़े चले जाओ, कल गाड़ी टो हो जाएगी मेरी 10 मिनट में, तो मैं क्या करूं, कौन जिम्मेदार है वहां, Then I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. काफी भीड़ है भैया. कोई बात नहीं. जय 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 फाइनली हम लोग ने दर्शन कर चुके हैं और हम निकल रहे हैं, हम लोग विश्वनाथ जी के यहाँ दर्शन करने के लिए सभी लोग बहुत तेजी से, क्योंकि उस समय कम है हमारे, अच्छा लगा कि नहीं, पहला एक्सपीरियंस था अविनेश भाई का, हमारे साथ पहली बार ही आए हैं काल भैरव जी, अब हम लोग जा रहे हैं किसी तरीके का जॉब करने आए हैं, किसी भी तरीके का यार रहने आए हैं, अगर बाबा काल भैरव को दर्शन नहीं किए तो आपके लिए बहुत कष्टदायक रहेगा, ये दर्शन हो गया, अब हम लोग स्वच्छा करने का ना, माइनिंग के लिए आते हैं ना, पहले माता यहाँ फिर कुर्सी भी बैठेगा, बिना कुर्सी बैठे चले गए यहाँ भी नहीं, पहले पहले इनका की पहले उनका, पहले इनका, पहले इनका दर्शन करना है, फिर विश्वनाथ जी का, दीदी जी जीजा उतना ही पैदा हुआ है, तो फाइनली हम लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं, बहुत अच्छा दर्शन हो गया बहुत कम समय में, अभी 3 बज रहा है और हमें 4 बजे तक बनारस छोड़ना भी है, तो देखते हैं विश्वनाथ जी के यहाँ भीड़ है कि नहीं है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत कम समय में दर्शन कर लिए हम लोग, और चल रहे हैं बस कार की ओर, पार्किंग का भी झंडा था वो भी अब सब सही है, आराम से अभी हम लोग के साथ, मतलब हम लोग के साथ नहीं हुआ था, एक लड़की थी वहाँ पे वो रो रही थी, तो जब पता चला तो उसका मोबाइल चोरी हो गया, तो आराम से आप आइए दर्शन करने में, देखिए बहुत तरह के लोग होते हैं भैया, जहाँ पे आपको ऐसा लगे तो वहाँ हिसाब से आप अपना फोन वगैरह सही से रखिए, कोशिश करें ना ये लेके आए, नहीं ये क्या बात हुई भाई, इतना आदमी पूरी परिवार के साथ जा रहे तो बस एक फोन लेके, ध्यान दीजिए भाई, फोन इतनी बड़ी चीज है चोरी हो जा रही है, तो ध्यान दीजिए बस, ये कहना चाहता हूँ, अब एक लड़की रो रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई हमारे साथ भी होता तो हमें भी दर्द होता कि भाई महंगा मोबाइल है, तो मैं भी रोता हूँ, सबको दुख होता है, क्यों भाई, अरे एकदम रोता है यार, बात बस वही है कि ध्यान से रखिए, बाकी हम लोग विश्वनाथ जी की ओर चल दिए हैं, दर्शन वहाँ करेंगे फिर उसके बाद घर की ओर निकलेंगे, तो चलिए जल्दी मिलते हैं, संडे के दिन पूरी पार्किंग फुल है, अभी जुगाड़ लगा रहे हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ मिलता है, 2-3 जगह घूम चुके हैं, करने के बाद अब एक नया पार्किंग मिला, अरे भैया ही कहाँ है, देख ले भाई, अरे बाबा रे बाबा, अभी भैया यहाँ तो ब्रेक फेल हो तो काम खत्म, ये देखिए दुनिया का सबसे भयंकर पार्किंग, अभी कितना खाली था, कितना झूठ बोल रहा था मुझसे, वो बहुत मेहनत से ये पार्किंग मिली है भैया, बहुत ज्यादा मेहनत से, फाइनली भैया 2-3 घंटे के मेहनत के बाद हमें पार्किंग मिल चुकी है, और दर्शन करने अब हम लोग निकल रहे हैं, बहुत मेहनत करना पड़ा है, आज संडे का दिन है और नॉर्मल दिन है, सोचिए कोई त्यौहार नहीं है, कोई विशेष दिन नहीं है, और आप सामने भीड़ देख सकते हैं इस समय, तो फेमस फाइनली हम लोग गेट पे आ चुके हैं, अभी जाम भी है यहाँ पे, अभी देखिए किसी का बुलाया गया है, क्योंकि बिना उसके हो नहीं पाएगा दर्शन, हाँ कैप लगाए हैं, हाँ देखिए अभी
फाइनली दर्शन हो चुका है भाई, काफी भीड़ था अंदर, आप देख सकते हैं समय लाइन यहाँ पे। हम लोग दर्शन कर चुके हैं और निकल रहे हैं यहाँ से, पीछे आप देख सकते हैं समय। व्यू पीछे का देख सकते हैं, अब निकलना है हमें बहुत तेजी से, क्या रिक्वेस्ट करना पड़ा। पीछे आप देख सकते हैं, पहली बार मैं दर्शन करा रहा हूँ अंदर तक, और अंदर व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी व्यू तगड़ा यहाँ का, ये देखिए बहुत सुंदर व्यू, ये देखिए एकदम बाबा विश्वनाथ जी देखिए वहाँ पे सामने है हमारे सामने। यहाँ से निकलने का समय आ रहा है, मन तो नहीं कर रहा है, बस निकलने। देखिए भाई सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं पीछे, बहुत अच्छा व्यू है भाई एकदम, एक नंबर शानदार। रुके मैं आपको सामने दर्शन कराता हूँ। समय हो चुका है, काफ़ी भीड़ है इस समय बहुत ज़्यादा, हम लोग भी तेज़ी से निकल रहे हैं। यहाँ का डोसा ये वाला पसंद है, देवा डोसा जो कि ठीक गदोलिया के पास है, हर बार यहाँ मैं आता हूँ तो खाता हूँ। और फाइनली हमने दर्शन करके हम निकल रहे हैं, और अब देखिए कितना भयंकर जाम लगा हुआ है। संडे के दिन ये जाम है, तो सोचिए जिस दिन महाशिवरात्रि वगैरह रहता होगा या मुख्य दिन रहता होगा उस दिन कितना भीड़ होता होगा। पर दर्शन बहुत अच्छे से आराम से हमने कर लिया है, और अग्नेश भी था जिसको पहला एक्सपीरियंस था, तभी उससे भी पूछेंगे, हालांकि अभी जाम से निकलते हैं पहले यहाँ से। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और ब्लॉग को आज यहीं खत्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।